डॉक्टर को भी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर को भी दवाई की जरूरत पड़ती है। बिना दवाई के डॉक्टर भी अपनी इम्यूनिटी, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ा सकता। पर एक ध्यान के साधक को, मेडिटेशन करने वाले को न तो दवाई की जरूरत है और न ही डॉक्टर की। ध्यान और मेडिटेशन करने वाला साधक प्रतिदिन ध्यान करके अपनी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा लेता है। उसका शरीर किसी भी प्रकार की बीमारी और महामारी से लड़ने में सक्षम है। आज मैं इस बात की चर्चा क्यों कर रहा हूं? आप सभी जानते हैं, कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। यह कोरोना का सेकेंड वेव है और यह सुनामी बन चुका है। पिछले 21 दिनों में 30 लाख कोरोना के नए मामले सामने आ चुके हैं और प्रतिदिन 2,30,000 से भी ऊपर कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं। पिछले 2 महीनों में 600% से भी अधिक लोगों की मौतें हो चुकी हैं। अस्पताल में पर्याप्त बेड नहीं है, आईसीयू बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन के लिए सभी अस्पतालों में हाहाकार मची हुई है, ऑक्सीजन सिलेंडर की लूट मची हुई है और कोरोना के नए मरीज लाइन लगाकर अस्पताल के बाहर खड़े हैं भर्ती होने के लिए। और सबसे खतरनाक बात, एक बहुत ही प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल ने इस बात का दावा किया है कि कोरोना अब एयरबॉर्न हो चुका है, अब यह हवा के माध्यम से भी फैल रहा है और यह हमारे यंग जेनरेशन, युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रहा है। सरकार ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भी कोरोना का टीका लगाने का फैसला किया है। इस पर बहुत ही स्टडी सामने आ चुकी है। मिशिगन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक 17 मई तक भारत में कोरोना के 3,30,00,000 से भी अधिक नए केस सामने आएंगे, पीक पर होगा। कोरोना की स्थिति बहुत ही भयावह होगी। कोई भी बीमारी जब महामारी का रूप धारण करती है तो जितने भी इंतजाम किए जाए, संसाधन कम पड़ जाते हैं। सरकार के पास जितने साधन मौजूद हैं उससे कई गुना ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में क्या करें? बचाव ही एकमात्र उपाय है। मैं प्रतिदिन ध्यान करता हूं और ध्यान करके ही अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लेता हूं। लगभग 3 सालों से मैं एक बार भी बीमार नहीं पड़ा और मेरे परिवार के लोग आश्चर्यचकित हैं। वो हैरान हैं कि मैं बीमार क्यों नहीं पड़ता। मैं प्रतिदिन 1.5 घंटे ध्यान करता हूं और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूं। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपके ऐसा करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम दुगने जोश और उत्साह के साथ आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ज्यादातर मौतें सांस लेने में तकलीफ के कारण, फेफड़े में संक्रमण के कारण हो रही है। तो क्या कोरोना डायरेक्ट हमारे फेफड़ों में ही पहुंच जाता है? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कोरोना 3 चरणों में हमारे शरीर में प्रवेश करता है। सबसे पहले चरण में वह हमारे नाक में प्रवेश करता है, हमें छींक आने लगती है, सिर में,
और पूरे बदन में दर्द रहने लगता है। दूसरे चरण में वह हमारे गले तक पहुंचता है और गले में खराश आ जाती है, गले में दर्द होने लगता है। और तीसरे चरण में यह हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर जाता है, तब हमें सांस लेने में तकलीफ होती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कोरोना के संक्रमण को नाक से फेफड़े तक पहुंचने में 5 दिन लगते हैं और इसे इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो क्या हम कोरोना के संक्रमण को नाक से फेफड़ों तक पहुंचने से नहीं रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं। आज मैं आपके सामने इसके बचाव के कई उपाय प्रस्तुत कर रहा हूं, आप इसे ध्यान से देखें और समझें। तो इसका जो पहला चरण है उसका लक्षण आपने सुना, जब आपको छींक आए, सिर में और बदन में दर्द हो, तब आप इसे हल्के में न लें, हो सकता है कि यह कोरोना का संक्रमण हो। अब आपको करना क्या है? ऐसी स्थिति में आपको नाक से संबंधित ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले मैं जो आपको सजेस्ट करता हूं वह भस्त्रिका प्राणायाम है। मैं इसे प्रतिदिन 100 बार करता हूं। आप ध्यान से देखें इसे किस प्रकार करना है। आपको श्वास से अपने फेफड़ों को भर लेना है और जब फेफड़े सांस से भर जाएं, तब आपको जोर से नाक से हवा बाहर छोड़ देनी है। बिल्कुल इस प्रकार आप ध्यान से देखें। ये आपको 100 बार करनी है। एक बार आप मेरे साथ करें, ये बहुत ही पावरफुल है और सहजता पूर्वक आप इसे करेंगे, लेकिन फेफड़ों में पूरी सांस भर कर इसको आप बाहर फेंकेंगे फोर्सफुली। मेरे साथ करें। आप इसे आंख बंद करके करेंगे। यह एक प्रकार का प्राणायाम है। दूसरा जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम का मतलब अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आपको अपने दोनों नाक के छेद से बारी बारी से सांस लेनी है। किस प्रकार लेनी है मैं आपको दिखा देता हूं और आप ध्यान पूर्वक इसे देखें। हाथों में आपको इस प्रकार मुद्रा बनानी है, देख लें आप। अंगूठे की बगल की जो दो अंगुलियां हैं, ये दो अंगुलियां, इसको आपको अंगूठे के बिल्कुल जड़ में लगा देनी है। अंगूठे से आपको इसको बिल्कुल दबा देना है और बच गई दो अंगुलियां। अब देखिए आपको क्या करना है। दाहिने हाथ के इस अंगूठे को अपने नाक के दाहिने छेद पर रखनी है, बिल्कुल इस प्रकार। ध्यान से देखें। और उसके बाद इस अंगूठे को दाहिने छेद पर रखते हुए आपको अपने नाक के बाएं छेद से श्वास गहराई तक लंबी और गहरी श्वास खींचनी है, बिल्कुल इस प्रकार।
अब आपको श्वास अंदर पूरी तरह खींचने के बाद धीरे धीरे आपको बायां छेद बंद करके श्वास को दाहिने छेद से बाहर छोड़नी है, धीरे धीरे आराम से गहराई तक। तो आप इसे ध्यान से देखें, मैं एक सांस लूंगा और धीरे धीरे दाहिने छेद से किस प्रकार श्वास बाहर छोड़ता हूं, आप ध्यान से देखें। श्वास छोड़ते समय आपको अपने बाएं नाक के छेद को अपनी छोटी उंगली के बगल वाली इस उंगली से आपको दबाना है। धीरे धीरे जब आप दाहिनी नाक से सांस छोड़ेंगे तो इस उंगली से आप अपने बाएं नाक के छिद्र को दबा करके और दाहिने छिद्र से श्वास को छोड़ेंगे। एक बार और देख लें। और एक बात आप अवश्य ध्यान दें कि जिस नाक के छिद्र से आप श्वास छोड़ेंगे उसी छिद्र से आपको पुनः श्वास अंदर भरनी है। आपने दाहिने नाक से सांस छोड़ा तो फिर दाहिने नाक के छिद्र से श्वास अंदर भी भरनी है। एक बार ध्यान से देख लें। शुरुआत हमेशा बाएं नाक के छिद्र से श्वास अंदर भरते हुए करते हैं, जब इसका अंत करते हैं तो बाएं छिद्र से श्वास छोड़ते हुए ही इसको बंद करते हैं। एक बार देख लें, मैं तीन बार श्वास अंदर भर के और बाहर छोड़ के आपको दिखाता हूं। बाएं छिद्र से श्वास अंदर खींचेंगे, दाहिने छिद्र से अब श्वास बाहर छोड़ेंगे, फिर दाहिने छिद्र से ही श्वास अंदर खींचेंगे। अब बाएं छिद्र से श्वास बाहर छोड़ेंगे। आप इसे बिल्कुल सहजता पूर्वक करें, किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती न करें। हमेशा बाएं छिद्र से श्वास छोड़ते हुए ही इसे बंद करेंगे। तो इस प्रकार आप प्रतिदिन 10 मिनट इसे लगातार करें। आप इसे दिन में कभी भी कर सकते हैं, कभी भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप इसे करें और यह आपके नाक के संक्रमण को दूर कर देगा। घरेलू उपाय मैं आपके लिए बता दूं, इसमें आप भाप ले सकते हैं और स्टीम इनहेलिंग कर सकते हैं। पानी गर्म करके पानी को खौला दें और जब इसमें से भाप निकलने लगे तो आप कंबल ओढ़ लें, बर्तन के ऊपर कंबल डाल लें और भाप को अपने नथनों के अंदर जाने दें। कोरोना का दूसरा चरण, इसका जो लक्षण है वह गले में खराश पैदा होती है और गले में दर्द होने लगती है, जिसे आप टॉन्सिल बोलते हैं, टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। तो जब यह संक्रमण आपके गले में हो तो आप इसे सामान्य न समझे, हो सकता है कोरोना का संक्रमण हो। एक प्राणायाम है, उसको बोलते हैं उजई प्राणायाम। यह ध्यान में मुझे ऑटोमेटिक होने लगता है। यदि आप देखना चाहते हैं तो आप ऑटोमेटिक उजई प्राणायाम बोलकर YouTube में सर्च कर सकते हैं, मेरा वीडियो आ जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूं यह किस प्रकार होता है। इसके लिए आपको अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करनी होगी और गर्दन सीधी करनी होगी।
मैं अपना ये बटन खोल लेता हूँ, क्योंकि हमारे कंठ में यह जो गड्ढा है, यहाँ जो गड्ढा है, ये गड्ढा उभर आता है जब हम इसे करते हैं। ध्यान से देखें मैं किस प्रकार कर रहा हूं। गर्दन में यहां पे गड्ढा किस प्रकार उभरता है, हम अपनी गर्दन की नसों में खिंचाव उत्पन्न करते हैं और यहां गड्ढा उभर आता है, बिल्कुल इस प्रकार। और जब यह गड्ढा उभर आए तो इस खिंचाव के साथ ही श्वास अंदर खींचनी है, और श्वास जब अंदर प्रवेश करेगी तब एक प्रकार की आवाज उत्पन्न होगी। श्वास अंदर जाने से आपके श्वसन नलिका में घर्षण पैदा होगी, कंठ कुप में खिंचाव होगा या गड्ढा उभर आएगा और यह आवाज उत्पन्न होगी। इसे ही कहते हैं उजई प्राणायाम। ध्यान से देखें, मैं इसे करके दिखा रहा हूं। यह बहुत ही इफेक्टिव और पावरफुल होता है। जब भी मेरे गले में खराश होती है मैं ऐसे ही करके ठीक हो जाता हूं। एक बार फिर से आप देख लें। एक बार फिर से देख लें। पहले जब मुझे ध्यान नहीं होता था तब मैं इसे करने का प्रयास करता था तो मुझे खांसी आ जाती थी और मैं इसको नहीं कर पाता था, पर अब यह ध्यान में ऑटोमेटिक होता है। तीसरा जो इसका लक्षण है वह है सांस लेने में तकलीफ होती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। चार पांच दिनों में खांसी आने लगती है और हो सकता है कि आपको थोड़ा थोड़ा बुखार भी हो जाए, तो आप इसे सामान्य न समझें, यह कोरोना का संक्रमण भी हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या उपाय करेंगे, इसमें डीप ब्रीदिंग बहुत ही लाभकारी है। डीप ब्रीदिंग का वीडियो मैंने बना रखा है, आप वहां से विधिवत देखकर सीख सकते हैं। मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो यह जो संक्रमण है इसमें आपके छाती में यह संक्रमण फैलता है और खांसी आने लगती है, तो खांसी में आप जोर जोर से तेज से सांस नहीं ले सकते हैं, आपको धीमी श्वास वाले ब्रीदिंग एक्सरसाइज, गहरे श्वास के लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी होगी। तो आइए देखते हैं इसे किस प्रकार करते हैं। हम श्वास को धीरे धीरे अंदर खींचते हैं और तीन स्टेप में अंदर खींचते हैं, श्वास को तोड़ते नहीं है। इसे एक बार में जैसे मैंने श्वास यहां तक लिया तो फिर वहीं से कंटिन्यू करते हुए यहां तक लिया, फिर कंटिन्यू करते हुए यहां तक लिया, यानी कि तीन पार्ट में, तीन किस्तों में हम श्वास को अंदर भरते हैं। आप इसे ध्यान से देखें। अंगुली का इस्तेमाल मैं आपको बस दिखाने के लिए कर रहा हूं। आपने देखा मैंने धीमी गति से तीन किस्तों में पार्ट वाइज तीन बार श्वास को अंदर भरा, और ठीक इसी प्रकार तीन किस्तों में पार्ट वाइज श्वास को धीमी गति से, लंबी और गहरी, इसको हम धीरे धीरे बाहर भी छोड़ेंगे। जैसे एक बार मैं श्वास अंदर ले लेता हूं और उसके बाद आपको छोड़ करके दिखाता हूं। आप इसे खड़े होकर
बैठकर या लेटकर भी कर सकते हैं। जब सोने के लिए बेड पर जाएं तो पीठ के बल लेट जाएं, दोनों घुटनों को मोड़ लें और एक हाथ पेट पर रखकर आप इसका अभ्यास करें, बहुत ही गहरी नींद आएगी। ध्यान रहे, श्वास को तोड़ना नहीं है, बस इसे कंटिन्यू करना है तीन पार्ट में। बस आपको आभास होनी चाहिए कि अभी मैंने यहाँ तक लिया, इसके बाद कंटिन्यू करके मैं यहाँ तक ले रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे ले रहा हूँ। और छोड़ते समय भी आपको हमेशा यही आभास रखना है, एक मन में चेतना बना के रखनी है। आप कोरोना के इस संक्रमण को अपने नाक से लेकर गले तक पहुंचते पहुंचते ही मार सकते हैं। मैंने जो उपाय बताए वो आप सभी उपाय करें और गर्म पानी में नमक डालकर गरारा करें। खाने के बाद तीनों टाइम आप गर्म पानी पिएं और गर्म पानी में नींबू डालकर आप पिएं तो यह आपके गले तक पहुंचते पहुंचते कोरोना के संक्रमण को मार सकता है। कोरोना में लोग पैनिक हो जा रहे हैं, बहुत ही लोग भयभीत हो जा रहे हैं, तो अपने अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन बना के रखें, सकारात्मक रहें। और सकारात्मक रहने के लिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। आप मेरे YouTube चैनल पर जाएं और वहां आप देखें ध्यान कैसे करते हैं। मैं इसका लिंक भी आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ध्यान करना सीख सकते हैं। जब आप ध्यान करना शुरू करेंगे तो इसके अभ्यास के साथ ही आप ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएंगे, आप बिल्कुल शांत चित रहने लगेंगे, आप अंदर से प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। आपका शुभचिंतक, आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।